रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्केटी एकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम स्केचअप के इंस्टॉलेशन के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। तो गूगल पर जाकर इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम और मैक्सिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ये तो मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्केचअप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। आप यहां पर भी मिनिमम हार्डवेयर देख सकते हैं, लेकिन मैं स्क्रॉल डाउन करके यहां पर स्केचअप और वेब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक करूंगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, मिनिमम स्पेसिफिकेशन यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और जो रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। मिनिमम में 2.1 GHz इंटेल प्रोसेसर, मिनिमम 4 GB रैम और मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस 700 MB। इसके अलावा ग्राफिक्स में आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो है वो मिनिमम 512 MB होना चाहिए। ये मिनिमम स्पेसिफिकेशन है, यानी आप इस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं। ना हेवी डिज़ाइन आप इसके ऊपर फिर अगर बनाएंगे तो आपका सिस्टम इसको एज अ एरर या मेमोरी एरर आपको कर देगा। और ये रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा इससे हाइयर गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर और 8 GB रैम, एटलीस्ट 1 GB अवेलेबल हार्ड स्पेस। इसके अलावा आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में रेडियन R9 ग्राफिक्स या जो एनवीडिया है वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हैं स्केचअप के लिए। इससे कम में भी आप जो इस वेबसाइट पर हैं, इससे कम में भी आप स्केचअप के जो पुराने वर्जन्स है वो आप रन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो से फिर हम बाकायदा तौर पर स्केचअप को सीखना शुरू करेंगे।